भिक्षा को ले कोड़ा बाबू। हाँ मतलब भीख मांगे कितना रुपए मिलेगा? कितना मिलेगा? कुछ पचास, एक सौ, दो सौ, डेढ़ सौ। हाँ केला तीन तो दस बोलना दादी, बहुत जोर से भूख लगा है, एक तो केला दीजिएगा, पैसा नहीं है अभी। सही होगा, मैं वेडिंग फोटोग्राफी का काम करता हूँ, तो अभी जा रहा हूँ मार्केट करने, सब्जी वब्जी खरीदने। एक्चुअली अभी तो थोड़ा लाइक दोपहर का टाइम हो गया, फिर भी यहाँ पे मार्केट खुला रहता है, तो इसलिए सुबह उठ नहीं पाया था, तो अभी जाना पड़ रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इधर है वहाँ पे मेन मार्केट के अंदर, लेकिन मैं उधर जाऊँगा नहीं, क्योंकि यार मैं रास्ते को हॉकर से ज़्यादा प्रेफर करता हूँ खरीदना। मैं चलो यार, ये है बैग यार, ले जाने से ये थोड़ा फायदा होता है, मार्केट अब उठने वाला रहता ना, तो थोड़ा सस्ता मिल जाता है सामान। और कितना बजे तक दुकान खुला रहता है आपका? हाँ दो अढ़ाई बजे। कहाँ पे घर आपका? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद, अभी मुर्शिदाबाद जाएगा फिर ना? तो वो एक मास बहुत पूर्ण दिन, बहुत बीस दिन, बहुत डायरेक्ट। और यहाँ पे कहाँ पे रहते हैं? फुटपाथ पे सो जाते हैं। अरे वाह, चलो पाँव में क्या हो गया आपका? बचपन से है पोलियो हो गया, तो पाँव से तो प्रॉब्लम होता होगा बहुत ना? अब कर लेते हो मैनेज? अच्छा डंडा 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 से? अरे वाह, मतलब आपको देख के मतलब मेरे को हिम्मत मिल जाता है कि आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। एक क्या को ले कोड़ा बाबू। हाँ मतलब भीख मांगे कितना रुपया मिलेगा? कितना मिलेगा? कुछ पचास, एक सौ, दो सौ, डेढ़ सौ। हाँ सारा दिन हाँटते होगा। हाँ सारा दिन हाँटना होगा। और ये इनकम करेगा, बाल बच्चा खाएगा, भाई शादी करेगा। हाँ। सब पोसेगा, सब पोस सब चल जाएगा, है ना? वाह सही है बहुत। एक खेला बी ए पास। एक खेले आपका लड़का बी ए पास है? एक तो अच्छा, और एक थोड़े छेड़े लो। अच्छा क्लास फोर पढ़ के छोड़ दिया? ना माने ये बात आप सच्चा बोला कि भीख मांग के कितना पैसा मिलेगा, और ये अपना बिजनेस करेंगे तो बहुत पैसा कमा पाएंगे, पूरा फैमिली देख पाएंगे। एकदम सही बात है अंकल, आप जैसा सब सोचता नहीं है ना। नहीं सरकार हेल्प नहीं करता सही में, खाली सरकार वोट लेने के टाइम आएगा, वोट में ठीक पे जा वोट। हाँ और उसके बाद भूल जाता आदमी लोग। नहीं अंकल आप बहुत सही काम कर रहे हो, दीदी ने मुझे 200 रुपये दिया हुआ है, अभी इसमें से जी नहीं अंकल। ठीक है अंकल, ठीक है अंकल, थैंक यू, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सुबह 8 बजे के बाद सियालदा से खरीद के ला के फिर यहाँ पे, और रात को यहीं पे सोते हो आप? यहाँ पे? बाप रे बहुत मेहनत करते हो यार आप सच में, सबको देख कर मुझे खुद ही इंस्पिरेशन मिलता है। और अभी बचा मेरे पास सिर्फ 40 रुपया यार, और बहुत सारा सामान अभी भी है, तो कैश नहीं है मेरे पास, अभी ATM से जाके निकालता हूँ। फिर ये है SBI का ATM, यहाँ पे अभी जाते हैं थोड़ा पैसा निकालते हैं, क्योंकि थोड़ा कैश निकाल लेते हैं फिर जाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच। केला तीन टू दस बोल रहा हूँ दादी, बहुत जोर से भूख लगा है, एक तो केला दीजिएगा, पैसा नहीं है अभी। कोई बात नहीं, एक तो केला। अरे दादी तो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दादी, अरे सुबह निकला था मार्केट करने के लिए, समझे? मार्केट करने निकला था, बाजार करने, पूरा पैसा खत्म हो गया, भूख लगा था। आपका उम्र कितना है अभी? बोलिए ना आपका। नहीं आप बताइए ना, आपका कितना उम्र है अभी? 71। 71 साल है। फैमिली में कौन है? बेटी है।
अभी बिक्री होता है बहुत सारा सारा दिन नहीं होता बिक्री यहाँ बैठने से सब चिल्लाते हैं। वहाँ तो प्यारा वाली झगड़ा करके भगा उसको हम बैठाया हमारा झगड़ा करके मतलब भलाई का जमाने अपना अपना काम करने में एक रोटी खिला दो लेकिन जगह मत दो क्या बोले आदमी लोग का सोच हो गया है अभी हमसे दुश्मनी करता अभी अच्छा अच्छा भद्रो बाबू हमको मानता ना मानेगा आप इतना मेहनत पचास रुपया के केला की ना पचास रुपया ऐसी दे दूँ मासी रख इस उम्र में भी मेहनत कर रही है बहुत आदमी आपकी उम्र में रहता है लोग भीख भीख मांगने लगता है लेकिन आप इतना मेहनती हैं बहुत अच्छा लग रहा है ऊपर वाले का दया भगवान पे खा लो पानी हम खा लेंगे कोई बात नहीं खा लो अच्छा अरे मेरे पास पानी है आपके पास चलो यार केला खा लो अच्छा भूख लगेगा आपसे मांग के खा लेंगे कोई बात नहीं आपको मेरा नाम यहाँ पे रखते हैं इसको धन्यवाद भगवान जब मतलब जल्दी हम चला जाए ऊपर क्यों अरे हम बहुत आप नहीं खट पाते नहीं खट पा रहे हाँ उठते बिछौना से थर थर कितना बजे उठते सुबह अजान देता तब सुबह अजान होता तब मतलब कि 5 बजे अजान होता है तो घर में काम है काम करते हैं घर में काम भी करती हैं काम क्या करें घर में काम करते हैं नहाते हैं ठाकुर को पूजा देते हैं बाप रे अभी घर कहाँ पे अभी आपका मेरा घर है काकीनाडा फिर कैसे ट्रेन से जाएंगे कैसे जाएंगे ट्रेन से फिर इतना सामान कैसे लेंगे सब यही रख देते हैं ठीक है दादी हम आपसे बहुत बहुत शुक्रिया आपका खिलाने के लिए किला पेट भर गया मेरा भगवान से मनाओ दादी जब तक जल्दी नहीं नहीं दादी मैंने विड्रॉल किया क्योंकि मैं पूरा पैसा खत्म हो गया था 10-20 रुपये ही बाकी रहा हुआ था दादी बोल रहे कि आपने कितना केला है कितना केला है आपके पास आप कितना लीजिएगा आपके पास कितना है पूरा दे दीजिए मुझे पूरा कितना होगा कितना देना पड़ेगा वो बताइए आप अभी कंफ्यूज हो गई मजाक तो नहीं हम मजाक नहीं कर रहे सच बोलिए हम क्यों मजाक करेंगे देखिए हम आए हम मेरे को भूख लगा था पैसा नहीं था आपने मुझे केला दिया तो अभी मेरा हक बनता ना पूरा आपको थोड़ा हेल्प करने का सब दे दीजिए जी अब मेरे को बैग दे दो अच्छा दे दीजिए आप बैग दे दीजिए मेरा भी उचित है बिना दाम दे मेरा भी उचित है ना हाँ दस अच्छा 14 17 18 19 20 20 18 24 2 10 4 8
पूरा दे दीजिए ना पहले। हाँ इसको रख के आता हूँ, फिर आपसे बात करना है थोड़ा, ठीक है? राधी बोल रहा हूँ, सुबह कितना बजे बैठती हैं आप? आप जाइए, कल देखा। हाँ कल देखेंगे ना, इसलिए कितना बजे रहते हैं आप यहाँ पर? 5-6 बजे सुबह। और सुबह कितना बजे आते हैं? 12 बजे। 12 बजे आते हैं, ठीक है। अभी खुश है ना? खुश है, मेरा उद्धार कर दिया बाबा। एकदम मर रहा था धूप में। मैं क्या बोल रहा था कि जैसे मैं आया था, मुझे आप मतलब कुछ दी खाने के लिए, आप लोग जैसे मेहनती आदमी लोग को मुझे देख के बहुत अच्छा लगता, तो मेरी तरफ से मैं मतलब आप ख़राब नहीं समझिएगा, ठीक है? आप बहुत मेहनत की यार इतना ये धूप में। आप दादी रखिए, नहीं 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 सुनिए सुनिए मेरा बात सुनिए, अब मेरा बात सुनो। आपका बेटा है ना, ठीक है? आप बेटा है तो खरीद लिया। हाँ खरीद लिए ना। मैं चाहता हूँ कि आप 2-3 दिन तक आराम करो और भी इस पैसे से बहुत कुछ खरीद के आप वापस ये करो। किसी का हराम का पैसा नहीं लेना। अच्छा, हराम का पैसा नहीं, मेहनत का, मेहनत का पैसा, मेहनत के पैसा कमा के खाओ। अच्छा, हराम के नहीं लेना चाहिए। हाँ आप जो खरीद लिए ना जी, बहुत बड़ा आशीर्वाद हुआ। आशीर्वाद दिया हमने? हाँ हाँ आशीर्वाद दिया। हराम के पैसा कहे लेंगे? बोल पैसा नहीं, आप जब बोले इतना अच्छा बड़ा बात का हूँ। हम अच्छा मत बोलते, हराम के लेना पाप है। अच्छा ठीक है दादी, ऐसे ही करते रहिए और रोज बैठती है ना आप यहाँ पे? हाँ। ठीक, अब कल से आपका बहुत ज़्यादा सेल बढ़ने वाला। तो भाई मैं बोलना चाहता हूँ कि दादी को मैंने पैसा ऑफर किया लेकिन उन्होंने पूरा रिफ्यूज कर दिया। आपने कितना बड़ा बात बोल दिया यार, मेरे दिल को छू गया, इसलिए मैंने ज़्यादा फोर्स नहीं किया उनको। अगर आप लोग में से सब लोग कोई हेल्प करना चाहते हो उनको, तो जो लोग लोकेलिटी में रहते हैं वो लोग दादी यहाँ पे बेलगुड़िया जो है SBI जो है मेन ब्रांच वहाँ पे बैठती हैं, बाटा के ठीक पास में। ये बाटा है यहाँ पे। गाइस देखे यार, एक छोटा छोटा चीज़ भी कितना ज़्यादा मीन करता है लाइफ में, और कितना बड़ा बड़ा दादी ने बात कर दिया। अगर मैं सच बताऊँ, मैं अगर उस दादी की जगह रहता तो मैं वो पैसा ले लेता, लेकिन आप लोगों ने देखा यार, मतलब दादी बोल रही है इस उम्र में भी कि मैं जो मेहनत का पैसा चाहिए जितना है उतना ही चाहिए, उससे ज़्यादा मैं नहीं लूँगी। तो यार इससे बड़ा क्या सीख मिलता है। और उस अंकल से मिला था, वो तो लाइक थोड़ा फिजिकली डिसेबल थे, फिर भी उन्होंने मुझे बोला कि वो मेहनत करता है, अगर पैसा मांगेगा तो भीख मांग के आप 100-150 रुपये कमा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं होगा आपको कभी। लेकिन आप अगर मेहनत करते हो तो यार बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। तो जब यार आप लोग देख सकते हो, ये लोग ऐसा बात बोल सकते हो यार, गाइस हम लोग जो यार यंगस्टर है, अच्छा लाइफ स्टाइल मिल रहा है, अच्छा पढ़ाई करने को मिल रहा है, अच्छा खाने पीने को मिल रहा है, तो यार हम लोग लाइफ में क्यों नहीं कुछ आगे कर सकते, ठीक है? बस हार नहीं मानना लाइफ में, कोई चीज़ को एकदम गोल फिक्स करो यार, ये अचीव करना है लाइफ में तो करना है, बस बात करना, ठीक है? थैंक यू सो मच यार वीडियो को देखने के लिए, और ऐसे सपोर्ट करते रहो अपने भाई को ताकि मैं दूसरे लोग को सपोर्ट कर सकूँ। और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।